छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने और शराब घोटाले के विरोध में एक बार फिर शुक्रवार को भाजयुमों ने कुरुत साप्ताहिक सब्जी मार्केट में करीब 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम और देवेंद्र यादव का मुखौटा पहनकर नकली शराब बेचते हुए अपना विरोध जताया। इस बीच इन लोगों ने कहा, मैंने शराब नहीं बंद की क्योंकि मुझे शराब घोटाला करना है। वहां पर मौजूद जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मयंक गुप्ता ने बताया, इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस नेताओं का असली चेहरा जनता को दिखाया गया है। सब्जी मंडी में हजारों लोगों की भीड़ थी। लोगों ने जब उन्हें नकली शराब बेचते हुए देखा तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कहा, इस सरकार में केवल शराब घोटाला ही नहीं CGPSC भर्ती में भी घोटाला किया गया है। कुछ लोगों ने कहा, शराब बंद करने का वादा किया था और नकली शराब बेच रहे हैं। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शाम 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पूरे बाजार में लोगों के बीच जाकर प्रदेश सरकार की नाकामी और घोटाले की सच्चाई बताई।